वेलकम बैक नासरीन। ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं, एक लाइफ स्टोरी हमारे पास मौजूद है, हम पहले आपके साथ वो शेयर करेंगे, फिर आपसे एक प्यारी सी मेहमान से मुलाकात भी कराएंगे जिनसे मिलकर आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि जैसे वो मेरे स्टूडियो में आई मैं इतनी ज्यादा स्माइल कर रही थी क्योंकि मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। जनाब आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते बढ़ेंगे अपने मेहमान की जानिब, और हमारी मेहमान जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, उनके लिए मैं पहले ही क्लैप कर देती हूँ क्योंकि बहुत जबरदस्त एक मॉडल है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो बहुत से ब्रांड्स के साथ अभी काम कर रही है और बहुत ज्यादा काम अभी शुरू करने वाली है। टिकटॉकर है, स्नैक वीडियोज बना रही है, मैगजीन में छाई हुई है। तो जनाब ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ी एक मॉडल की बात कर रही हूं। जनाब ये वैसे तो बहुत बड़ी मॉडल है लेकिन साइज में बहुत छोटी है। 10 साल हमारे साथ मिंसा मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिंसा, कैसी हैं आप? ठीक मिंसा, वेलकम करते हैं। आप तो बड़ी क्यूट लग रही हैं आज। थैंक यू मिंसा। मुझे ये पता चला है आपको मेकअप का भी शौक है, तो मिंसा क्या बनना चाहती है? एक अच्छी मॉडल, एक्ट्रेस, टिकटॉकर, स्नैक वीडियो बना रही हैं साथ, और या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं? मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। मिंसा कहाँ से ये आपने सोचा और कब आपने अपने करियर के हवाले से ये गोल बना लिया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एक्टर बनना। जब भी मैं किसी को देखती हूँ टीवी में तो मेरा दिल करता है कि मैं भी बनूं, तो इसलिए मैं बन रही हूँ। अच्छा मिंसा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस आयजा खान। आप आयजा खान को पसंद करती हैं, तो आप आयजा खान के सारे ड्रामे देखती होंगी, ऐसे ही है? यस। क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी लग भी आयजा खान जैसी रही ना, जब आप बड़ी हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है जो आयजा का बचपन था वो मिंसा ही है। मिंसा अब मैं देख रही थी आप वीडियोस में थोड़ी बड़ी नजर आती है ना जब आप टिकटॉक या स्नैप वीडियो बनाती है, लेकिन आप स्टूडियो में भी मेरे सामने मौजूद है, बहुत छोटी सी हो, बहुत क्यूट सी हो। आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि मैंने तो 10 साल बताई, 10 साल ही है ना आपकी उम्र? यस मेरी 10 साल ही है। अच्छा मिंसा कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 3। अच्छा 3 क्लास में पढ़ती है। मिंसा टिकटॉक कब बनाना शुरू किया और अभी स्नैप वीडियो भी बना रही है ना, तो ये कब आपने ऐप कहाँ से ली, कहाँ से देखा, कहाँ से आपको लगा कि मुझे एक्ट करना चाहिए इसमें? ये मैंने टिकटॉक 2020 से बनाना शुरू किया था, फिर मेरी वीडियोस बैन हो गई थी, वो कुछ मसला हुआ था तो बैन हो गई, तो अब फिर मैं स्नैप भी बनाती हूँ और टिकटॉक भी बनाती हूँ। आपकी वीडियो बैन हुई थी, ओवरऑल टिकटॉक बैन किया गया था? मेरी सारी वो आईडी बैन हो गई थी। हाँ क्यों? वो पता नहीं, वो कह रहे थे कि ये छोटी है इसलिए नहीं बनाना। अच्छा अलाउ नहीं है एज लिमिट की वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं मिंसा, जब फर्स्ट टाइम आपने टिकटॉक बनाया, घर वालों ने क्या कहा, अम्मा ने क्या कहा, अब्बा ने क्या कहा, रिश्तेदारों ने क्या कहा, वाओ जो मिंसा है वो तो बड़ी अच्छी टिकटॉक बना रही है, या फिर आपको कहा कि नहीं अभी नहीं बनाई नहीं क्योंकि अभी आपके पढ़ने की उम्र है? नहीं सारे बहुत अच्छे कहते हैं वो, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है उस पर भी मेरी सारी वो देखती हैं, खाला भी देखती हैं, मेरी नाना भी देखती हैं, वो सारे मुझे बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं और मेरी मम्मा भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मतलब मामा भी सपोर्ट करती हैं, तो मामा हेल्प करती हैं जब आप वीडियो बना रही होती हैं? जी करती हैं। अच्छा मामा खुद बनाती हैं वीडियो अपनी? जी मामा बनाती हैं। अच्छा ग्रेट, माशाल्लाह पूरी फैमिली में टैलेंट मौजूद है एक्टिंग का, सब बनना चाहते हैं। मिंसा स्टडी के हवाले से बताइए, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि टीचर्स कह रहे होते हैं कि मिंसा जो है सारा वक्त तो टिकटॉक बनाने में, शूटिंग में लगा देती हैं, जैसे कि आप ब्रांड्स के साथ शूट्स भी कर रही हैं, या आपके आप स्टडी में भी बहुत अच्छी हैं? नहीं टीचर्स को पता नहीं है और जब अभी पता चल जाएगा हमारे शो के थ्रू तो उनको पता नहीं, मैं अपने टीचर को बताती ही नहीं हूँ। अच्छा बताती नहीं है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देती हैं? जी मैं अपनी स्टडी पे भी बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। अच्छा उस पर भी फोकस कर रही हैं। अच्छा मुझे मिंसा ये बताइए मेकअप का शौक कहाँ से आया? मेकअप का जब मैं अपनी सबसे छोटी खाला को देखती हूँ उनको ही देख के मुझे शौक आया है। अच्छा छोटी खाला क्या बहुत ज्यादा मेकअप करती है या बहुत अच्छा मेकअप करती है? बहुत अच्छा मेकअप करती है। अच्छा क्या मेकअप आर्टिस्ट है वो? नहीं मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद है, वो अच्छा करती है मेकअप। वो अच्छा मेकअप करती है। तो मिंसा आप ट्यूटोरियल वगैरह देखती है यूट्यूब वगैरह पे मेकअप के लिए? नो वो नहीं देखती मैं। अच्छा वो नहीं देखती, बस वैसे आप ट्राई करती हैं। तो आज किसने तैयार किया मिंसा को? मुझे मेरी मम्मा ने। हाय मम्मा तो बहुत अच्छा मेकअप भी करती है, हल्का हल्का मेकअप करके इतने अच्छे हेयरडू किया हुआ है आज मिंसा का। अच्छा मिंसा मुझे बताओ कि कौन सी टिकटॉकर आपको पसंद है? मुझे जन्नत मिर्जा। अच्छा उनकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है आपको? जी। अब भी मुझे ये बताया कि शूट्स भी आपने किए हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी आप हैं, तो मिंसा मॉडलिंग करना मुश्किल काम है या एक्टिंग करना? एक्टिंग करना। एक्टिंग ज्यादा मुश्किल है। अभी आप एक्ट भी कर रही हैं कुछ ड्रामों में, आपका काम आ रहा है? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं आ रहा, अभी मतलब अभी आप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मिंसा मुझे बताएं कितना वक्त लग जाता है एक वीडियो बनाने में? एक वीडियो में यही 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। 10-15 मिनट लग जाते हैं,
मतलब कि आप एक दिन में कितनी वीडियो बनाती होंगी? यही 3 या 4। 3 या 4 वीडियो बना लेती हैं एक दिन में? डेली डेली अपडेट करती हैं जी। तो कितने फॉलोअर्स हैं? यही कोई 1K। 1K? अच्छा, इतने कम तो नहीं है मीन साहब? आपको देख के लगा था शायद आप कहेंगे 2000 है 1000 है। 1K ठीक है, ओके है। 100K और या 1K? 100K। 100K, ओ ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी फॉलोअर्स है। आप मुझे लग रहा है मतलब मिंसा, तो मिंसा कितने फॉलोअर्स चाहती है? मिंसा चाहती है और भी फॉलोअर्स हो आपके? और भी ज्यादा फॉलोअर्स हो रहे हैं। अच्छा मिंसा, टिकटॉक या स्नैप वीडियो बनाने के बाद लोगों ने आपको अप्रोच किया फॉर शूट और उधर से ही लोगों ने आपको अप्रोच करना शुरू किया, फ्रेंड्स वगैरह ने? यस। अच्छा, तो मिंसा मुझे कोई डायलॉग सुनाएंगी, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो, कोई ऐसा ड्रामा जिसका करेक्टर मिंसा को बहुत पसंद हो, कुछ भी ऐसा, मतलब कोई फिल्म जो मिंसा को बड़ी पसंद हो। मिंसा ने कोई टिकटॉक बनाया? मिंसा ने आने से पहले आज टिकटॉक बनाया जी? कौन किस पे बनाया आज टिकटॉक? आज नहीं बनाया मैंने, कल बनाया घर में। घर में बनाया था, किस पे बनाया था? यही सॉन्ग्स पे। अच्छा, आप ज्यादा सॉन्ग्स पे बनाती हैं? डायलॉग नहीं मैं करती इतने। अच्छा, वो नहीं करती, वो ज्यादा नहीं करती, आप सिर्फ वो करती है। मिंसा कितने बहन भाई हो आप? हम 3 है। 3 है, मिंसा सबसे बड़ी है? नहीं, मैं छोटी हूँ, वो सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट पे मेरा बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी बहन है। अच्छा, तो मिंसा ने जब टिकटॉक बनाना शुरू किया उसके बाद भाई ने और छोटी बहन ने भी बनाना शुरू किया, ट्राई किया बड़े भाई ने भी? मेरा भाई वो थोड़े से मुझसे पहले बनाता था, फिर मैंने बनाना शुरू किया, फिर मेरे उससे ज्यादा लाइक्स हो गए। ओ ग्रेट, वाओ मिंसा, तो फिर आपने तो, आपके तो कॉम्पिटिटर आपके घर में भी मौजूद है, आपका भाई, तो भाई कहता नहीं मिंसा इतनी जल्दी आप कितने फॉलोअर्स कैसे हो गए? नहीं, वो नहीं कहता। अच्छा, मतलब खुश होता है, जेलस नहीं होता? नहीं, जेलस नहीं होता, खुश होता है। अरे ग्रेट। मिंसा, मामा का फोन यूज कर रही होती है जब आप टिकटॉक वगैरह बना रही होती है? वो मेरा फोन, वो गलती से मुझसे टूट गया, तो अब मेरे मम्मा के फोन में बनाती हूँ। ओहो, फोन भी टूट गया मिंसा का, लेकिन कोई बात नहीं मिंसा। अच्छा, टिकटॉकर आपने जन्नत मिर्जा का नाम लिया है, मुझे ये बताएं कि आप क्या चाह रही हैं? आप ड्रामों में काम करना चाहती हैं, इन फ्यूचर आप फिल्म्स में आना चाहती हैं, आप किस तरह से अपने करियर को देख रही हैं मिंसा? मैं अपने करियर को, मैं ड्रामों में फिल्म्स भी बनाना चाहती हूँ। अच्छा, दोनों भी आना चाहती हैं? कौन सी फिल्म फेवरेट है मिंसा की? मेरी इंडियन है वो। तो कोई बात नहीं, वो बाहुबली है। बाहुबली बहुत पसंद है मिंसा, क्यों, क्या क्यों पसंद आई आपको ज्यादा वो फिल्म? क्योंकि उसका वो जैसे वो फाइट करता है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो मिंसा एक्शन फिल्म में काम करना चाहती है जी? मतलब एक्शन फिल्म से ज्यादा पसंद है आपको? अरे ग्रेट मिंसा। मिंसा अपने देखने वालों को क्या कहना चाहती है? मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चों का दिल करता है एक्टर्स बनने का, प्लीज वो आए और यहाँ आए और न्यूज में अपना वो करें, एक्टर्स बने। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू मिंसा, थैंक यू सो मच। मतलब मिंसा चाह रही है कि जो आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे जिस भी करियर को लेके आगे करना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, तो उनको मना मत कीजिए। मिंसा को एडवाइस ये भी है कि मिंसा आप जितने भी टिकटॉक बनाए, जितने भी स्नैप वीडियो बनाए, जितने भी शूट करें, लेकिन आपने अपनी स्टडी को जरूर साथ लेके चलना है, ये बहुत जरूरी चीज है। आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइएगा, ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आपने अपने स्टडी पे भी इतना फोकस करना है और अपने करियर पे इतना फोकस करना। जब आप दोनों चीजों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सुपरस्टार हमारे साथ, हमें वेरी सून स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। नासरीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।